नमस्कार, मैं राकेश जोशी न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 24 घंटे से उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं पूरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। तमाम जगह अगर हम हल्द्वानी शहर की बात करें या पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो जल भराव की भारी स्थिति बनी हुई है। वहीं आप देख सकते हैं, हम इस वक्त ये सूर्या देवी नाला है और जिस तरीके से यहाँ हर सत्र मानसून जब बारिश आती है तो उसका जो पानी का जल स्तर है वो काफ़ी उफान पर रहता है। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ भारी मात्रा में जो नदी है वो नदी का जल स्तर उफान पर है। हालांकि यहाँ जो चोरगलिया पुलिस है वो लगातार मुस्तैद है। जो छोटे बड़े वाहन हैं उन वाहनों को यहाँ पुलिस की देखी में जो है वाहनों का आवागमन किया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग के द्वारा अगले 12 तारीख तक को जो मौसम अलर्ट जो है जारी किया गया है, ऐसे में तमाम जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारियों को लगातार निर्देश दिए गए हैं। जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। यहाँ तमाम फिलहाल देख सकते हैं किस तरह से इस जो नंदौर जो नदी है और जो यहाँ तमाम जो शेर नाले हैं, उस शेर नाले का जलस्तर काफ़ी उफान पर है। और ऐसे में तमाम जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अगले 48 घंटे तक का जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, चोरगलिया।